नदिया अली एक पाकिस्तानी अमेरिकी गायक गीतकार है। अली को 2001 में ब्रेन आइडलो की अग्रणी महिला और गीतकार के रूप में प्रसिद्ध मिली। जब उनका पहला एकल रैप्चर को यूरोप में महत्वपूर्ण सफलता मिली, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, जहां यह गाना नंबर 2001 में यूके सिंगल चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया। उनका 2006 का एकल इज इट लाइव बिलबोर्ड हॉट डांस क्लब प्ले चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया। 2005 में एकल करियर शुरू करने के बाद अली इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत में गायक बन गए। उन्होंने 2009 में अपना पहला एल्बम एम्ब्रस रिलीज किया। एल्बम के 3 एकल बिलबोर्ड हॉट डांस क्लब प्ले चार्ट के शीर्ष 10 में पहुंचे, जिसमें नंबर 1 हिट लव स्टोरी भी शामिल है। 2010 में अली ने एक गायिका के रूप में अपने दर्शक लंबे करियर को चिन्हित करने के लिए क्वीन ऑफ क्लब ट्रिलोजी नामक एक रिमिक्स एल्बम शुक्ला जारी किया। रैप्चर को इस 33 एक मात्रा एकल के रूप में फिर से रिलीज किया गया और यह गाना एक बार फिर यूरोप में चार्ट में सफल रहा। अली ने 2011 में स्टीली किलोप्स और एलेक्सा कैनजी के साथ एकल प्रेशर रिलीज किया, जो एकल एक कलाक और फेस्टिवल अंथम बन गया और एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत पुरस्कार प्राप्त किया। 2012 में उन्होंने एकल मास्टर बी द लव में बीटी और अंटी के साथ सहयोग किया। उन्होंने 2017 में सुल्तान सेपड़ के साथ ऑलमोस्ट अ होम गाना रिलीज किया, जो बिलबोर्ड डांस मिक्स शो एयरप्ले में नंबर 4 पर पहुंच गया, जूनो अवार्ड नामकरण प्राप्त किया। 2018 में उन्होंने हेले इस नामक प्रयोगी परियोजना के तहत एक नई दिशा और ध्वनि की शुरुआत की, जिसने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत से इंडी पॉप शैली की ओर प्रस्थान करते देखा। 2022 में उन्होंने माइकल कलेक्टना के साथ सहयोग किया और 3-2-1 नामक का एक गीत जारी किया।